यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेन से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और क्या उनका पैटर्न रहता है। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग समझते हैं, ट्रेन यानी रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, वह एक दूसरी ट्रेन को जो इसकी ओर आ रही है जिसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी है। यानी एक ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन फर्स्ट है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन सेकंड है। ये ट्रेन जो फर्स्ट है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ट्रेन जो सेकंड है ये इधर से आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ट्रेन की लंबाई है 270 मीटर लंबी है। ये वाली जो ट्रेन है 270 मीटर लंबी है यानी लेंथ है, और इसकी हमें लंबाई पूछी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी है, और ये आपस में कितने सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो सबसे पहले तो आमने सामने दोनों आ रही हैं, इनके लिए दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो दोनों की स्पीड जोड़ने पर ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय हमारे पास में दिया हुआ है दोनों का 9 सेकंड, दूरी कितनी है, दूरी हमें पता नहीं है लेकिन 270 प्लस एक्स है, 270 प्लस एक्स, एक्स किसकी, इसकी, क्योंकि इसकी हमें निकालनी है सेकंड ट्रेंड की, तो ये एक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाई चाल हमारी क्या है 80 और 120 दोनों को जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगी चाल। अब जो दूरी दे रखी है हमारी मीटर में दे रखी है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 यहाँ पर और 18 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। अब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू किस तरीके से आएगी, या इस तरीके से कर सकते हैं 9 × 200 × 5/18, 18 को यहाँ से हटा देते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 270 प्लस एक्स, अब क्या करते हैं हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे इसको 200, 500 आ जाएगा, 500 इक्वल टू 270 प्लस के एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आती है 230 मीटर। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेन की लंबाई क्या आएगी, 230 मीटर आएगी। नेक्स्ट है, एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ट्रेन की लंबाई है 80 किलोमीटर, 80 मीटर है, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी 180 भी तो रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर पाएगी, या कितने सेकंड में पार करेगी। तो 80 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबा पुल है और चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो समय यहाँ पर पूछा है कितने समय में पार कर पाएगी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी हमें पता है यहाँ पर 120 और 80 कितना हो गया 200, डिवाइड बाई चाल कितना है 45 × 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, तो ये 40 हो जाएगा, 5 से 9 बार, 5 से 8 बार, 9 से 2 बार, तो समय क्या आएगा 16 सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा को 1 सेकंड में पार कर जाती है, यदि दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही है तो कितने समय में एक दूसरे को
मिलेंगी। तो कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगी वो हमें निकालना है। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, 120 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये है 100 मीटर लंबी, और इधर वाली जो रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी ट्रेन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ट्रेन सेकंड मान लेते हैं, और ये वाली है ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और ये एक सेकंड में इन दोनों को पार कर जाती है। कितने सेकंड में? एक सेकंड में। और हमें निकालना है यहाँ पर कि दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही है तो कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगी, कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगी। तो समय हमें निकालना है यहाँ पर, तो समय के लिए क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल आ जाएगा यहाँ पर। दूरी क्या है, 120 और 100 कितना है, 220, और चाल क्या है, 40 और 32 कितना हो गया, 72 इंटू 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 आ जाएगा, 18 × 72 20 आ जाएगा, यानी 220/20 क्या आ जाएगा, 11 सेकंड। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 11 सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए, जबकि रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हैं। तो यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रेन वन फर्स्ट दी हुई है और ट्रेन सेकंड दी हुई है। ट्रेन फर्स्ट है, 300 मीटर लंबी है, इधर से आ रही है, 300 मीटर लंबी है। ट्रेन सेकंड है, वो 200 मीटर लंबी है, इधर से आ रही है, और आपस में एक ये 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसकी जो चाल है, पहली ट्रेन की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल हमसे क्या पूछी है, इसकी चाल हमसे पूछी है, यानी ये चाल निकालनी है। और रेलगाड़ी क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है, मतलब कि इस पॉइंट से इस दिशा में जा रही है और इस पॉइंट से इस दिशा में जा रही है, और एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर चाल चाल हम निकालें कि 10 सेकंड में उनके द्वारा जो तय की गई दूरी क्या है, 200 और 300 500 है, तो 10 सेकंड में कितनी करती है, वो 500 करती है, दूरी 500 मीटर दूरी तय करती है। तो चाल क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी दूरी बटे समय, यानी 500 डिवाइड बाई औसत चाल, यानी दोनों की चाल आएगी 500 डिवाइड बाई 10 10 सेकंड में पार करती है, यानी 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी सापेक्ष चाल दोनों की। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल तो दे रखी है 100 × 5/18, यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो यह आ जाएगी 250/9 मीटर पर सेकंड, सापेक्ष चाल दे रखी है 50 मीटर पर सेकंड। पहली रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो 50 − 250 − 250 − 250/9 कर देंगे, तो 9 × 45 यानी 450 − 250/9, तो 200/9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200/9 मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर प्रति सेकंड घंटे में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या होता है, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड को, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार और 5 × 40 बार, यानी आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी रफ्तार आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 150 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। तो ट्रेन दे रखी है 150 मीटर लंबी और उसकी चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 600 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो 600 और ट्रेन की लंबाई होगी 150, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है मान लेते हैं और ट्रेन यहाँ से चलेगी, तो ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है तो यहाँ से ये वाली दूरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। तो 600 और 100 कितना हो जाएगा, ये 150 है ये 600 है, तो ये हो जाएगा 750 डिवाइड बाई क्या निकालना है यहाँ पर, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी होगी 750 और चाल क्या होगी 50 × 5/18, क्योंकि यहाँ 5/18 से क्योंकि ये मीटर में दे रखा है इसलिए मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 15 × 3 तो 54, तो 54 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में हम देखें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 सेकंड में आ जाएगा, 20 मीटर जाएगी 1 सेकंड में। अब 5 सेकंड में पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो शहर ए और बी के बीच की दूरी है 384 किलोमीटर की यात्रा में, तेज चलने वाली ट्रेन धीरे चलने वाली ट्रेन से 4 घंटे कम समय लेती है। तो दो शहर हैं ए और बी, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 384 किलोमीटर। यदि धीमी गति की ट्रेन की औसत गति तेज गति की ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है तो तेज गति की ट्रेन की औसत गति क्या होगी, यानी फास्ट ट्रेन की स्पीड यहाँ पर पूछी है। फास्ट ट्रेन की स्पीड पूछी है, दोनों शहरों के बीच में 384 किलोमीटर की यात्रा है, जो फास्ट ट्रेन है वो 4 घंटे पहले यहाँ पर पहुँच जाती है, यानी यहाँ पर दो ट्रेन चलती हैं, एक स्लो चलती है एक फास्ट चलती है, फास्ट है वो 4 घंटे पहले पहुँच जाती है, 4 आवर पहले पहुँच जाती है, और स्लो ट्रेन है इसकी स्पीड है फास्ट ट्रेन की स्पीड से 16 घंटे कम है, यानी औसत चाल है स्लो ट्रेन की वो 16 घंटे कम है, यानी इसकी 20 है यानी इसकी x है तो इसकी क्या होगी, x-16 औसत चाल होगी। तो हम इससे निकालते हैं कि फास्ट चलने वाली ट्रेन की औसत गति क्या होगी। तो फास्ट ट्रेन कुल दूरी 384 है और स्लो की मान लेते हैं हम, इसे फास्ट की मान लेते हैं x, तो स्लो की क्या होगी x-16, तो यहाँ पर फास्ट है उसको a मान लेते हैं और स्लो है उसको b मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं कि फास्ट जो समय लेगी वो कितने लेगी, 384/x क्योंकि ये स्पीड है फास्ट की और 4 घंटे पहले पहुंच जाती है यानी 4 घंटे अंतर आएगा, माइनस के 384/y इसकी जो स्पीड है वो है x-16, तो ये स्लो ट्रेन है तो स्लो ट्रेन ज़्यादा समय लेगी तो x-16 यहाँ आएगा और फास्ट ट्रेन कम समय लेगी तो यहाँ आएगा। दोनों का अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 घंटे दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे इसमें x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आएगी, x²-16x 384x माइनस के 384x प्लस के 16 × 384 = 4, तो ये से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² - 64x और ये माइनस का आएगा इधर भी 16 × 384 16 × 64 असल लगी 6 16 × 128 28 6 34
लगी 3 16 3 48 और 3 51, यानी 5144। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 384 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 चौको 64, आंसर लगेगी 6। 16 8 6 48, आंसर लगेगी 4। 8 1 8 4 12, एक सौ अट्ठाईस 128 और 6 134, आंसर लगेगी 13। 16 3 48 48 और 13 61 होता है, यानी 161 आएगा यहाँ पर। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले x के लिए सॉल्व करेंगे, तो x² - k 16x - k 4 1 4 2 4 5 20 4 1 4 3 12 और 6 4 24, ये आ जाएगा 1536। अब इसको हम तोड़ के देखेंगे, 1536 को तोड़ते हैं, तो ये किस में टूटेगा, 1536 टूटेगा 48 और 32 में, x² - k 48x + k 32x -1536। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो फास्ट गति से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड क्या होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, और 150 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, एक ट्रेन है वो 150 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन है इधर से आ रही है, और इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है हमें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है यहाँ पर, 200 और 150 330, चाल क्या है 50 और 40 90 × 5/18, तो ये आ जाएगा 18 × 5 = 90 25, तो 330/25, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 350/25, क्योंकि ये 350 आएगा, 350/25, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो क्या आ जाएगा 14 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।